देखिए साइंस के पेपर में एग्जाम में किस हिसाब से कौन से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, ठीक है, वो हमने बहुत सिलेक्टेड हमने टॉपिक रखे हैं। इसमें हर एक टॉपिक समझाएंगे आपको। इसमें से हम गारंटी देते हैं आपको 80%, 80% नहीं तो 70% तो कहीं नहीं गया, क्यों, कुछ चीजें हमने ऐसी लिखी हैं जो हर साल पूछी जाती हैं। ठीक, सबसे पहले ये वाले जो 20 क्वेश्चन आएंगे आपको, जहां आपको ओमार सीट पर करने होंगे, कहाँ करने होंगे, ओमार सीट। अब एक जो क्वेश्चन आएंगे और ये वाले ओमार सीट, ये रेसिस्टेंस पर भी आ सकते हैं, कहीं से भी कोई न्यूमेरिकल उठाएगा या कोई इससे थ्योरिकल पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपका न्यूमेरिकल बेस से ज्यादा उठा उठा सकते हैं वो, ये आपका बेस मजबूत होना चाहिए, तब आप 20 क्वेश्चन, 20 नहीं तो 18 क्वेश्चन कर ही सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए न्यूमेरिकल बेस आपका सही होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन आप कर पाएं, क्यों भाई, ओमार सीट पर जो क्वेश्चन बनेंगे ऑब्जेक्टिव वो ज्यादातर तो न्यूमेरिकल से ही बनाए जाएंगे या फिर और कुछ टॉपिक पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके लिए परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए, कुछ फार्मूले याद होने चाहिए। फिर दूसरा है आईपीएससी। अब आईपीएससी दे रखा होगा, बोलेगा इसका आईपीएससी क्या है, या फिर इसका उल्टा इसका संरचना सूत्र बोलेगा, इसका संरचना सूत्र बनाइए, ब्रोमोपेंटेन का बनाइए या ब्यूटेनोन का बनाइए, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो इसके लिए आपको आईपीएससी तैयार कर लेना है, जैसे मैथ है तो प्रोप ब्यूट पेंट जो भी उनकी सफिक्स प्रिफिक्स होती है वो सभी आपको देख लेंगे। ठीक, फिर समीकरणों को संतुलित करो। अब यहां पर हमने जो समीकरण लिखी है, अब हो सकता है यही आ जाए, हो सकता है कोई दूसरी बदल के भी आ सकती है, लेकिन बैलेंस आपको कैसे करना, देखिए यहां पे सिंगल है बी है, इधर भी बी है, यानी कि ये ठीक बैलेंस है। फिर सीएल की मात्रा कितनी है, डबल, और यहां सीएल सिंगल है। ठीक, तो यहां पर सीएल डबल है, यहां पर सिंगल है, यहां पर डिसबैलेंस हो गया, तो यहां इसको डबल करेंगे तो यहां से दो से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीएल को डबल करने के चक्कर में हाइड्रोजन की भी एच की मात्रा कितनी हो गई, डबल, हाइड्रोजन कितने हो गए, दो। अच्छा इधर देखो कितने हैं, दो, यानी कि हाइड्रोजन भी बैलेंस। अच्छा SO4 सिंगल है, SO4 सिंगल बैलेंस हो गया। अब वहां कुछ डिफिकल्ट भी दे सकते हैं, थोड़ा टफ दे सकते हैं, फिलहाल इसी हिसाब से कीजिएगा, मतलब जितने एलिमेंट, जितने यौगिक तत्व, जितने तत्व इधर हो उतने ही उनकी संख्या उधर होनी चाहिए, अगर कुछ कम ज्यादा है तो हम मल्टीप्लाई करके उसको बैलेंस कर लेंगे, जैसे अभी हमने जे वाला किया था। ठीक, हाइड्रोजन यहाँ पे दो है और यहाँ पे सिंगल है, दो से मल्टीप्लाई कर लो ऐसे सीधे। ठीक, फिर ये केमिस्ट्री की कुछ सेक्शन, कुछ परिभाषाएं, डिफिनेशन है, जैसे उपचयन है, अपचयन है, उदासीनीकरण है, साबुनीकरण है, ठीक है, संक्षारण है, ठीक है, ये तैयार कर लेना सभी, इनमें से कोई कोई ना कोई एक फंसेगी जरूर, जब आप ये सभी तैयार करोगे इनमें से तो कोई ना कोई एक जरूर पूछी जाएगी इनमें से। ठीक है, अब जैसे साबुनीकरण का एक हमने वीडियो बनाया था, साबुनीकरण की एक रिएक्शन आती है, उसका भी हमने वीडियो बनाया था, उसको रिएक्शन कैसे तैयार करेंगे बहुत आसानी भाषा में समझाया था, उसको देख लेना। ठीक है, तो साबुनीकरण से साबुन दो प्रकार की तैयार की जाती है, एक कठोर साबुन होती है, एक मृद साबुन। ठीक, तैयार कर लेना। और संक्षारण, जैसे लोहे में जंग लगना, संक्षारण मतलब लोहे में जंग लगना। ठीक है, एक विकृत गंधता भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मतलब खाद्य पदार्थ क्या हो जाते हैं, आक्सीकृत हो जाते हैं, या उनका ठीक है खुले में रखने पर या ऑक्सीजन के संपर्क में आने से उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है। ठीक है, विकृत गंधता। फिर है सोडा के अणुसूत्र, यानी सोडा खाने का सोडा भी हो सकता है, धावन सोडा भी हो सकता है, तो खाने का सोडा यानी दोनों सोडा बता रहे हैं मतलब। ठीक है, खाने का सोडा हो और चाहे धावन सोडा हो, इन दोनों के हमें अणुसूत्र ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों के हमें अणुसूत्र ध्यान रखने हैं और प्लस इन दोनों के हमें उपयोग भी करने हैं। इनके उपयोग दोनों के ऐसे हैं कि आप एक बार पढ़ेंगे ना याद हो जाएंगे, जैसे धावन सोडा कपड़े धोने में, अन्य प्रकार के उपयोगों में। ठीक है, और खाने का सोडा खाद्य पदार्थों में किया जाता है इसका उपयोग। फिर है निस्तापन, फिर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के सूत्र याद रखना।
सबसे पहले CnH2n plus 2 होता है ना, तो CnH2n plus 2 होता है वो किसका हो जाएगा, एल्केन का, उसमें से दो कम कर दो तो क्या हो जाएगा, CnH2n हो जाएगा, तो किसका हो जाएगा, एल्कीन का। अब उसमें दो और कम करो तो CnH2n minus 2 होगा तो किसका हो जाएगा, एल्काइन का। तो ये सूत्र भी पूछे जा सकते हैं, ये सूत्र आपके आ सकते हैं, हमारे शीट में आ सकते हैं, ये वाले जो सूत्र हैं इसके, एल्कीन एल्केन एल्काइन के सूत्र हैं, ये आपके कहां आ सकते हैं, हमारे शीट में जो 20 नंबर हैं, 20 क्वेश्चन उनमें ये आ सकते हैं। तो ध्यान रखना, जैसे मान लिया ऐसे याद हो, देखो ये होता है CnH2n plus 2, ये याद करो पहला है, याद करो जिसे हमने याद किया CnH2n plus 2 याद किया हमने, ठीक है। तो CnH2n plus 2 जे है किसका, एल्केन का, किसका है, एल्केन का है, तो एल्केन एल्केन एल्काइन, ये तो आपको तैयार हो जाएगा कि एल्केन एल्केन एल्काइन, तो इसका CnH2n plus 2 किसका हो गया, एल्कीन का। अब इसमें दो कम कर दो तब ये किसका हो गया बताओ, एल्कीन का हो गया। अब इसमें दो और कम करो, जब इसमें दो और कम करेंगे तो माइनस में 2 जाएगा तब किसका हो जाएगा, एल्काइन का। समझ गए होगे शायद, पीछे देखो बताएं, एक फार्मूला आप याद कीजिए, CnH2n plus 2 याद करो, CnH2n plus 2 याद करो, तो CnH2n plus 2 किसका हो गया, एल्केन का हो गया। अब इसमें दो कम कर लो तो किसका हो गया जे, एल्कीन का हो गया। अब इसमें दो और कम कर लो तो किसका हो गया, एल्काइन का। जे शायद तैयार हो गए होंगे आपके, ठीक है। फिर है अच्छा बायोलॉजी का जो है टॉपिक, इसका नाम है ब्रकाणु और न्यूरॉन, ब्रकाणु और न्यूरॉन। तो ब्रकाणु का फिगर भी आ सकता है, न्यूरॉन का भी फिगर आ सकता है। फिलहाल ब्रकाणु और न्यूरॉन, और ब्रकाणु का दूसरा नाम होता है नेफ्रॉन, ये घुमा के भी पूछ सकता है, बोलेगा ब्रकाणु की जगह क्या दे देगा, नेफ्रॉन। तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ब्रकाणु हमने पढ़ा था, ये आ गया नेफ्रॉन। तो ब्रकाणु और नेफ्रॉन एक ही बात होती है, ठीक, ब्रकाणु और नेफ्रॉन एक ही बात होती है, चाहे नेफ्रॉन पूछे तब भी एक ही बात है, ब्रकाणु नेफ्रॉन एक ही बात है, ठीक है। तो ब्रकाणु नेफ्रॉन न्यूरॉन ये हर साल आते ही हैं। अगर आप ब्रकाणु और न्यूरॉन तैयार कर लेते हैं दोनों फिगर विद डिफिनेशन, फिलहाल कुछ ऐसे फिगर है, डिफिनेशन है नहीं, फिगर आता है परीक्षा में, बोलेगा नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए, या फिर बोलेगा न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए, फिगर आ सकते हैं, डायग्राम आ सकता है। तो इन दोनों पे, ठीक है, थोड़ी कमेंट भी तैयार कर लेना, हो सकता है कमेंट अगर बोले तो, ये दोनों आप तैयार करेंगे जरूर, क्योंकि जब आप दोनों तैयार करेंगे 100% कोई ना कोई जरूर फंसेगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, इनमें से कोई ना आए तो नाम बदल देना, ठीक। तो नेफ्रॉन और न्यूरॉन ये जरूर आते हैं, हर साल कोई ना कोई एक पूछा जाएगा। आप मॉडल सेट उठाकर देख लीजिए, कैसा भी अनसोल्व्ड जितने तुम्हारे पास हो विज्ञान के, उनके जितने सेट हो सब सेट चेक करके देख लो, हर सेट में आपको नेफ्रॉन और न्यूरॉन मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप ये न्यूरॉन और नेफ्रॉन तैयार कर लेते हैं तो ये आपके नंबर पक्के हो जाएंगे, कोई भी सेट उठा के देख लेना, हर सेट में आपको ये नेफ्रॉन और न्यूरॉन मिलेंगे, तो पक्का ही आएंगे, इतना समझ लो। फिर दूसरा देखिए परागण, परागण की परिभाषा, परागण की परिभाषा तैयार कर लेना, परागण की परिभाषा तैयार कर लेना, और परागण के प्रकार भी तैयार कर लेना। प्रकार मतलब एक सो परागण होता है और एक पर परागण, एक सो परागण होता है और एक पर परागण होता है, ठीक, ये दोनों आप तैयार कर लेना। और उनके खट्टी बूटी कनकौआ कौन कौन से होते हैं, सरसों होता है, ये भी याद कर लेना, ठीक है। जैसे खट्टी बूटी कनकौआ में कौन सा परागण होता है, सरसों में कौन सा परागण होता है, ये तैयार कर लेना, ठीक है, क्योंकि एक एक उदाहरण भी पूछा जाएगा, ना पूछे उदाहरण अगर लिख देते हो तो और बढ़िया रहता, नंबर आपको और अच्छे मिलेंगे, ठीक। फिर है खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला को अंग्रेजी में फूड चेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फूड चेन, खाद्य श्रृंखला को अंग्रेजी में फूड चेन बोलते हैं। और एक आता है जाल भी आता है, खाद्य जाल, तो खाद्य जाल, खाद्य जाल फूड वेब बोलते हैं। तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल का हमने वीडियो बनाया, बहुत आसानी भाषा में आप समझ जाएंगे, बस देखते ही चुटकियों में, बस देखने की आवश्यकता है। फिर अगला है जैव निम्नीकरण, अच्छा जैव निम्नीकरण की परिभाषा भी अलग से आ सकती है, या फिर जैव निम्नीकरण का अंतर भी आएगा, बोलेगा जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण में अंतर बताओ, ठीक, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो तीन चार अंतर आपको लिखने पड़ेंगे, तो ये भी आ सकता है। फिर है मेंडल के नियम, भैया
मेंडल के तीनों नियम तैयार कर लेना, प्रायिकता का नियम हो, पृथक्करण का नियम हो, स्वतंत्र अभिवहन का नियम हो, उनके आप जीन प्रारूप भी तैयार रखेंगे, जीन प्रारूप भी तैयार रखेंगे, ठीक, फिनोटाइप जीनोटाइप जिनको बोलते हैं, ठीक है, उनके अनुपात कितने होते हैं, एक अनुपात हमने एक वीडियो बनाया था उसमें है, एक याद रखेंगे 121, तो कितना हो जाएगा 1:2:1, और एक का होता है 93:31, कितना होता है, तो 9:3:3:1, ठीक। तो ये देख लेना, मेंडल के तीनों नियम देख लेना, तीनों नियम से, ठीक है, कोई ना कोई एक नियम भी आ सकता है, या फिर बोलेगा मेंडल के नियमों पर व्याख्या दीजिए, तो आपको नियम तो लिखने पड़ेंगे फिर आपको, ठीक है। फिर द्विसंकरण, द्विसंकरण के बारे में समझाइए, ठीक है, द्विसंकरण के बारे में समझाइए, द्विसंकरण भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, द्विसंकरण भी आ सकता है। फिर है पुष्प में निषेचन, अच्छा पुष्प में निषेचन फंसा तो फंसा, अगर नहीं फंसा दो एक दो नंबर के क्वेश्चन आपको जरूर फंसेंगे, क्योंकि पुष्प में निषेचन जब आप पढ़ेंगे पुष्प के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे नर भाग, मादा भाग है, अंडक है, विभिन्न प्रकार के जो भी कार्पल हैं, ये जब आप भाग तैयार करेंगे इनके बारे में आप जब पढ़ेंगे पुष्प के बारे में, तो पुष्प से संबंधित छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको कहां फंसेंगे, ओमार सीट में फंस सकते हैं। ये पुष्प निषेचन भी बहुत भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पुष्प में निषेचन आ गया, पुष्प आप बनाएंगे उसको और फिर उसमें निषेचन दर्शाएंगे, वर्तिका दिखाएंगे, वर्तिकाग्र दिखाएंगे, स्टाइल सब टोटल दिखाएंगे, ठीक है, और फिर उसमें स्टिग्मा, ये सब पूरा भाग बनाएंगे। तो पुष्प में निषेचन अगर आ गया बना के समझाइएगा, अगर नहीं आया, आपने कुछ इसके बारे में पढ़ा है, तो एक दो पॉइंट हो सकता है ओमार शीट में फंस जाए, ठीक। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए, ठीक है, तो क्लियर से तैयार कर लेना। फिर अगला है फ्लेमिंग के नियम, फ्लेमिंग के नियम, ये फ्लेमिंग के नियम है, ये जैसे उसके दाएं हाथ का नियम और उसका अंगूठे का नियम, ऐसे कुछ है, तैयार कर लेना, ठीक है। उसका भी हमने एक वीडियो बनाया था, फ्लेमिंग के नियम कैसे तैयार करेंगे, उसका भी एक वीडियो बनाया, जैसे एफबीआई हमने बताया, जैसे एसबीआई बैंक होती है, एफबीआई आप तैयार कर लेना, देख लेना फंस जाएगा। फिर डायरेक्टर पर सवाल आएंगे, अच्छा ये जो डायरेक्टर वाले सवाल है, हो सकता है दो नंबर में आ सकता है, हो सकता है डायरेक्टर वाला सवाल दो नंबर में आ सकता है, नहीं तो डायरेक्टर वाला सवाल ओमार शीट में तो जरूर ही फंसेगा, और बहुत सरल भी होता है, जल्दी से आंसर भी आ जाता है इसका, तो ये ओमार शीट में फंस सकता है, इसको डायरेक्टर वाले एक दो लगा के देख लेना, हो सकता है कोई दिक्कत आ रही हो, ठीक है। अगला है जे अल्पतम विचलन कोण वाले, ये वाला तो सवाल आपका जो है ओमार शीट में भी फंसेगा, ये हो सकता है अलग से भी आएगा लॉन्ग में, ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्पतम विचलन कोण और प्रिज्म कोण वाले सवाल, अल्पतम विचलन कोण और प्रिज्म वाले कोण, ठीक है। तो ये जो है अपवर्तनांक दे रखा हो, अल्पतम विचलन कोण दे रखा हो और प्रिज्म कोण दे रखा हो, तो उसके लिए यही वाला फार्मूला लगेगा, हो सकता है ओमार शीट में ये फंस जाए, आंसर निकाल लेना इसे, हो सकता अलग से फंसेगा, तब तो अगर आपको तैयार है तो वेरी गुड, फार्मूला लिखिए और लिखकर उसको लगाइए, अगर आधा भी अगर आपने लगा पाया है तो आधे नंबर को मिलेंगे, फिलहाल पूरा लगा देना इसको, ठीक। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहीं ना कहीं आपको फंसेगा जरूर, देख लेना, देख लो उसको अच्छी तरीके से, ठीक। अगला है फोकस दूरी वाले सवाल, ये भी जरूर आएगा कोई ना कोई, अगर फोकस दूरी वाला सवाल अगर लॉग में नहीं आया, थ्योरिकल में नहीं आया, तो हमारे सीट में कहीं ना कहीं दिखेगा आपको, फोकस दूरी वाले कहीं ना कहीं दिखेंगे आपको, ठीक है। अच्छा फोकस दूरी एक वक्रता त्रिज्या वाला आता है, तो वो भी आपको हमारे सीट में मिलेगा कहीं ना कहीं, वक्रता त्रिज्या एफ बराबर आर अपान टू, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, आधी होती है, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी कैसी होती है, दोगुनी होती है, तो ऐसे वाले एक हो सकता है हमारे सीट में एक या दो सवाल आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। फिर है प्रतिरोध वाले सवाल, श्रेणी क्रम और समांतर, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ठीक है, ये दोनों सवाल देखना, जो आपको जैसे आपने रिवाइज किया हो, जो आपको लगाना आता हो वो आप रिवाइज कर लेना इनको, ये भी कोई ना कोई आ सकते हैं। फिर अगला है फ्यूज तार का महत्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्यूज तार का महत्व क्या है, बोलेगा घरों में जब वायरिंग की जाती है, घरों में हमारे घरों में जब वायरिंग की जाती है, तो वायरिंग करते समय घरों में ये फ्यूज तार क्यों लगाया जाता है,
जब वायरिंग की जाती है तो वायरिंग करते समय घरों में, हमारे घरों में वायरिंग करते समय ये फ्यूज तार क्यों लगाया जाता है, इसका हमें महत्व बताइए, महत्व समझाना, या फिर कमेंट देनी है, या फिर बोलेगा फ्यूज तार पर टिप्पणी करो, या फ्यूज तार का महत्व क्या है, ठीक है, तो ये कुछ न कुछ पूछ सकता है फ्यूज तार पर, तो फ्यूज तार के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। एक बार फिर से देखो, साइंस पेपर में कम से कम 70-70% तो फंसेगा ही फंसेगा इससे, ठीक है। 20 मार्क्स ओमार सीट पर हैं, वो आपके न्यूमेरिकल बेस और टॉपिक जो भी हो, जो भी आपने विज्ञान में पढ़ा हो उससे फंस सकते हैं, ठीक, ओमार सीट वाले। फिर आईपीएससी आएंगे, आईपीएससी इनके संरचना सूत्र भी बनाने के लिए आ सकते हैं, या फिर आईपीएससी बोलेगा, आईपीएससी पूछेगा। फिर समीकरण को संतुलित समीकरण हो सकता है, यहां से कठिन भी बोल दे, इससे भी कठिन आ सकती है, ठीक है, लेकिन बैलेंस ऐसे ही करेंगे, ध्यान रखना। फिर उपचयन अपचयन उदासीनीकरण या फिर साबुनीकरण या संसारण, इनमें से कोई ना कोई एक फंस सकती है। फिर सोडा यानी कि धावन सोडा और खाने के सोडा के सूत्र और उपयोग दोनों पढ़ लेना, ठीक। एक प्लास्टर ऑफ पेरिस भी होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला भी पूछा जा सकता है हमारे शीट में, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी देख लेना, ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी देख लेना। इसका फार्मूला होता है CaSO4 × 1/2 H2O, ठीक, CaSO4 × 1/2 H2O, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, धावन सोडा और खाने का सोडा, ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, धावन सोडा और खाने का सोडा, इनके अणुसूत्र और इनके तीनों के उपयोग, ठीक है। अब जैसे ये CaSO4 × 1/2 H2O दे दिया उसने, तो हो सकता है हमारे शीट में पहचानने के लिए बोलेगा, पहचानो CaSO4 × 1/2 H2O किसका है, निम्न में से, तो चार ऑप्शन में से आपको पहचानना पड़ेगा CaSO4 × 1/2 H2O किसका है, बताइए किसका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, ठीक। तो ये सोडा, धावन सोडा, खाने का सोडा, और तीसरा हमने अभी क्या बताया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फार्मूला और प्लस, ठीक, इसके उपयोग भी ध्यान रखना, ठीक। फिर निस्तापन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इसके हमने बताए थे, तो एल्कीन के लिए अभी ये बताया था फार्मूला, पहला याद करना, प्लस टू वाला, कम करते जाओ धीरे धीरे, ठीक, तो एल्केन एल्कीन एल्काइन बनता चला जाएगा, ठीक है। फिर नेफ्रॉन और न्यूरॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से कोई ना कोई जरूर ही आएगा, ठीक, परागण देख लेना, ठीक है।